अभी तक बात नहीं हो सकी सिनान से। हाँ, किस्मत ही ऐसी हमारी। बहुत कोशिश की थी मैंने, और जब मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, फिर मैंने डिनर पर जाने का मैसेज कर दिया। आखिर कब बता पाएंगे हम उसे? अरे बता देंगे यार, और हमारी किस्मत अच्छी है, हम एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू कर दिया इस बारे में, ऐसे ही है ना? हाँ, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में, यानी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, वक्त आने पे खुद ही पता चल जाएगा। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कर रहे हम दोनों। हाँ गलत तो नहीं, आज की रात हमारी है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हमें अपने अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है ज्यादातर डॉक्टर्स यहीं आते हैं खाना खाने के लिए। वो टेबल कैसी रहेगी, वहां चलकर बैठे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। कहाँ हो तुम आबेद, नजर नहीं आ रहे। आई, खाना तो बहुत मजेदार लग रहा है यार, मैं जरा ये टेस्ट कर लेती हूँ। आ, आ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सिनान, प्लीज सॉरी। रिलैक्स नैना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, इधर दिखाओ, प्लीज आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ, टेक इट इजी। इस बार चीखे नहीं मुझ पर। तो क्या मैं हर वक्त तुम पर गुस्सा करता हूँ? यहाँ से आइए। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। बाजिल। बोलो मेरी जान। बहुत खुश हूं मैं आज, प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे सब खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, देखो मेरा हाथ भी कितना चल गया है। पता है इन लोगों ने ये कैंडी गलत जगह रखी हुई है, इसलिए ये हो गया। यार मैं तो बस ये डिश इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, सोचा टेस्ट कर लूं, और मैंने गिलास को तो देखा ही नहीं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो इस गिलास की है। मैं इस तरह के रेस्टोरेंट्स में आती रहती हूं और अनाड़ी बिल्कुल भी नहीं हूं। नैना देखो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लोबिया गलत जगह पर रखा हुआ था, सारी गलती गिलास की और ग्रेविटी की, तुम तो बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो, तुमने सब कुछ ठीक किया। यही तो कह रही हूँ। क्या हुआ? जरा देखो ना, और मुझे किसी ने इस बारे में बताया तक नहीं। हाँ लेकिन सिनान देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहा है एकदम। हाँ लेकिन क्या उन्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नैना मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे भी आइडिया नहीं। ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम। सॉरी सर, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दरअसल ये सब कुछ किसी और टेबल के लिए था, बट गलती से यहाँ पर हो गया। हम भी परेशान हो गए थे लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। सुने, क्या इन बलून्स में से एक दे सकते हैं आप मुझे? जी मैम क्यों नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। नैना चलो तुम्हें कम से कम एक बलून तो मिल गया। हाँ सिनान एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बचपन से ही मुझे बलून से खेलने का बहुत शौक है। हाँ केक कहाँ से आ गया, क्या तुम खाओगे इसे? नहीं ये सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिनान, आज रात मैंने बहुत एंजॉय किया खाने पर। मैंने भी बहुत एंजॉय किया नैना, और सच बताऊं तो काफी अरसे बाद इतना मजा आया, और वो जो आखिर में हुआ उसका तो पूछो ही मत। वो तो बहुत ही मजे का सीन था सच में सिनान,
लेकिन मुझे उस कपल के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था जिसके लिए वो सब अरेंज हुआ था। इत्तफाकन हम उस टेबल पर जाकर बैठ गए और ये सब हो गया। नैना तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो, वो एक एक करके ऐसे तुम पर फूल फेंक रहे थे और उसमें से दो तो तुम्हारे बालों में ही रह गए। और जब उस वेटर की नजर हम पे पड़ी तो कितना शॉक्ड हो गया था। तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ मैं, शायद मोच आ गई है, परेशान होने की बात नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ गया सिनान। जब मैं छोटी थी और हमारी स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी तो बाबा हमें इस्तांबुल ले आया करते थे, और जानते हो मैं हमेशा जिद करती थी कि मुझे आइस स्केटिंग करनी है, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि जब भी मैंने आइस स्केटिंग की है तो मुझे जरूर चोट लगी है। उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ मैं सिनान। चलो आओ तुम मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? कोई सवाल नहीं अभी। नैना हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हाँ वो रही, चलो। हाँ बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सरप्राइज है ये। बता भी दोनों सिनान।